क्योंकि वोकस क्लोज हो गया जो मैंने पिछली वीडियो में आता बताने लगा आपको फ्लिक्स नोट्स, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाना है और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं लॉग इन कर रहा हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन का लिंक यूज़ करोगे तो आपको 50% चांसेस है एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलने के। इसको पूरा पहले टिक होने देना, वो ह्यूमन वेरिफिकेशन है गूगल की। फिर यहाँ पे आ जाओगे, आपको क्रिएट योर ओन सर्वर, फिर वहाँ पे आपको रैम एंटर कर लेना है। दिखाता हूँ, आप रैम और नेम एंटर कर लेना। मैं अपने सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, आपको 200 मिलने का 50% चांस है, इसलिए मैं बैक जा रहा हूँ। और अब आपको क्लिक करना है लॉग इन टू पैनल, ये पैनल खुल जाएगा। ये आपका यूज़र नेम है और आपका पासवर्ड है पैनल पे। और आपको कई बार पूछ सकता है ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए पेट्रोडिकल कुछ, ये वाला पेट्रोडिकल पैनल है, ये आपका सर्वर के नाम के साथ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको 1 एंटर कर लेना है अगर आपको जावा के लिए चाहिए, अगर आपको बेडरॉक के लिए चाहिए तो आपको 2 एंटर कर लेना है। यहाँ पे आप नंबर एंटर कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक। मेरे को चाहिए पेपर, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप बस 6 एंटर कर लो वनीला और 1.12 के लिए। नहीं 9 के लिए भी क्रिएट करते हो 1.0। अभी आपको सर्वर इंस्टॉल करके देगा। फर्स्ट टाइम स्टार्टअप में टाइम लेता है, उसके बाद है सिर्फ 20-25 सेकंड में ऑन हो जाएगा। आपको आएगा सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लेना है, माइनक्राफ्ट की ईओला है, कोई भी सर्वर सॉफ्टवेयर यूज करो प्रॉक्सीज के अलावा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप बायक्राफ्ट या क्राफ्टिंग स्टोर ऐसा कुछ यूज करोगे तो ईओला जरूर रीड कर लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगी बड़े आराम से माइनक्राफ्ट ईओला। यहाँ पे रनिंग शो कर रहा है, यहाँ पे टाइमिंग इज सेट। तो अब मैं खोल रखूँ माइनक्राफ्ट, वीडियो बहुत लैग करेगी क्योंकि मेरा पीसी बहुत लो एंड की तरफ है, लो एंड मिड एंड के बीच में समझ लो, बिना जीपीयू का। और आपको सुबह 24/7 मिल जाएंगे अवेलेबल 24/7 सर्वर्स जो ऑलवेज ऑनलाइन रहेंगे। ये सर्वर आपकी आईपी, सर्वर आईपी यहाँ पे जाना है, ऐड करना है और सबसे नीचे ये अगर ना आए तो। हाँ, एक और चीज़, अगर आप क्रैक प्लेयर हो ना, जैसे टी लॉन्चर वगैरह यूज़ कर रहे हो, आप बस सर्वर और प्रॉपर्टीज फाइल में जाना है, फाइल मैनेजर के अंदर इसको लोड होने देना। यहाँ पे आपको नीचे को जाना है, यहाँ पे कहीं भी आपको मिलेगा ऑनलाइन मोड, इसको फॉल्स में सेट कर देना। सेव हो रहा है, इसके बाद आपको कंसोल पे वापस जाके इसको रीबूट करना और देखना सिर्फ 20 सेकेंड में ऑन हो गया।
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
डन, सिर्फ 22 सेकंड में आपको ऐसा शो करेगा, और फर्स्ट टाइम शो करेगा कॉल पे। रिलैक्स कर क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा अभी, या तो खुद को ऑफ भी कर सकते हो। तो मैं जाके सारी परमिशंस ये ना बिना चीटिंग के किए, चाहे तो पिछले दिन से कंपेयर कर लो। मैंने ना ना चीटिंग करने का भी सबूत रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पर जो ना कर लो, आपका भी इसी लैग हो जाएगा, ये सब होने लैग होंगे। DDR5 RAM sticks, NVMe, N.2 SSDs, स्टोरेज है कोई भी वर्जन, अल्ट्रा लैगलेस, AMD Ryzen 9 प्रोसेसर्स। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।